इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी ज्यादा कलाकार दुबई पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि रत्नाकर कुमार, जो कि वर्ल्ड वाइड भोजपुरी के कर्ता धरता है, वो कई कलाकारों को लेकर गए हैं दुबई। वहां पर शूट होगा एक से बढ़कर एक गाना, और वहीं से सामने आए हैं जो कि श्वेता महारा और नील कमल सिंह का है। ये वीडियो देखने के बाद दर्शक काफी अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की बहुत ही फ्रेश जोड़ी आएगी सामने किसी गाने में। वैसे आपको यहाँ ये बता देते हैं कि नील कमल के साथ एक गाने में आपको नीलम सिंह भी दिखेंगी। वैसे दुबई के कई ऐसे बेहतरीन लोकगीत शूट होंगे, साथ ही साथ कई ऐसे गाने शूट होंगे जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भोजपुरी पे बैक टू बैक रिलीज किए जाएंगे। वैसे कहा जा रहा है कि बाद में आगे चलकर इन सारे लोगों को भोजपुरी के और भी कई बड़े नाम ज्वाइन करने वाले हैं। फिर भाई चाहे जो भी हो, यहाँ पे दर्शकों का फायदा ये हो रहा है कि उन्हें बहुत ही प्यारे वीडियोस, बहुत ही अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे। वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भोजपुरी के कर्ता धर्ता रत्नाकर कुमार ने बहुत पहले ही कह दिया था, भोजपुरी के बड़े कलाकारों को साइन करने से अच्छा है कि भोजपुरी के उन कलाकारों को उठाया जाए जो कि उभरते हुए हो या फिर इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे हो। ऐसे कलाकार आपको 100% देते भी हैं और इनकी फैन फॉलोइंग लॉयल भी होती है इनके प्रति। इसलिए हो सकता है कि नील कमल में रत्नाकर कुमार को वो हर एक चीज दिखी होगी, इसलिए तो नील कमल के साथ उन्होंने कई गानों की डील भी साइन की है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।